Hello students, in this video we are going to discuss about point mass object and a frame of reference. So देखिए concept of point mass. So a object can be considered as point mass if during motion in a given time it cover a distance much greater than its own size. अब देखिए यहाँ पर कि कोई भी हमारा object है जो कि motion के दौरान उसका size बहुत ही छोटा हुआ है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस कवर बाय इट, तो हम क्या कहेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल एन एंट मूव 10 किलोमीटर डिस्टेंस, द साइज ऑफ एंट कैन बी नेगलेक्टेड एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस कवर बाय इट. तो भाई कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही लार्जर डिस्टेंस कवर करता है, सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये मान लिया एक एंट है. ठीक है, और ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर ये कवर कर रही है. तो भाई 10 किलोमीटर सिंस भाई साइज तो मैंने काफी बड़ा बना दिया, लेकिन फिर भी ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ा है कि इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज इतना छोटा है इस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली कि हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम कैसा मान सकते हैं, इसको हम एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जिनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू जो वो डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है, सो उनको हम कहते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये जो है ये मासलेस होता है, साथ में डायमेंशनलेस भी होता है. डायमेंशनलेस भी होगा, ना तो इसका कोई मास होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकली ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, एक अजम्पशन से, ताकि हमको जो कैलकुलेशन वगैरह है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, इसका जो साइज है उसको बाद में माइनस ना करना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, जैसे भाई हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. ठीक है, तो यहाँ पर सन के कंपैरेटिवली अर्थ का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, या फिर ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट पे अर्थ जो घूम रही है, जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है इसके कंपैरेटिवली जो अर्थ का साइज है उसको हम एक तरह से पॉइंट मास मान सकते हैं, पॉइंट साइज मान सकते हैं. ठीक है, कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ये 15 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पर एक कार है. ठीक है, और इस कार ने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है 15 मीटर का, तो इस केस में हम इसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कार का जो साइज है वो मैटर करेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज यहाँ पर मैटर करेगा. ठीक है, सिर्फ वहीं पर हम इस अजम्पशन को लेकर चल सकते हैं जहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करना है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास. देन नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम एंड विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, सो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. तो यहाँ पर बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं. सो जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर क्या कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर, भाई तीन एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये तीन एक्सिस हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, फिर जहां पर ये तीनों एक्सिस मीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम बोलेंगे ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन. और बेसिकली ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, ये ओरिजिन जो होता है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ओरिजिन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है, कि आपका जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को, वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर खड़ा हुआ होगा. ठीक है, और उसके साथ में ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जुड़े हुए होंगे. ठीक है, अब उसको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर उसको भाई देखना है, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ होंगे, जैसे यहाँ पर एक्स वन, वाई वन, जेड वन कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कुछ टाइम बाद वो मूव करके कहीं पर चला जाएगा, क्यू पे चला जाएगा, एक्स टू,
और वाई टू जेड टू पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा ऑब्जर्वर है या जो हमारा यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है वो क्या करेगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन जो है, ठीक है, मतलब भाई ये जो है मोशन जो है उसको डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ में हाथ में यहाँ पर क्लॉक होगी जिससे टाइम को भी मेजर कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम हो गया अटैच टू एन ऑब्जर्वर, जो कि एक ऑब्जर्वर से जुड़ा हुआ होगा। ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक है। इस ऑब्जर्वर से सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जुड़ा होगा एंड विद रेस्पेक्ट टू विच, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में द ऑब्जर्वर जो है वो पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन जैसी फिजिकल क्वान्टिटीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता है ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर उसके पास क्लॉक होगी जिससे वो टाइम को मेजर कर सकता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट वगैरह बता सकता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक यहाँ पर हमारा थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ओके। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। सो नंबर वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नंबर टू इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन होल्ड्स गुड, ठीक है, कि वो होता है जिसके अंदर हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो अच्छी तरह से होल्ड करता है जो। एंड फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन सेटिंग इन ए बस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि ये बेसिकली न्यूटन जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको होल्ड करेगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ बोलता है हमें दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन में करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग भैया तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो रेस्ट मतलब भाई उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी हमारा भाई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो भाई बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा जो ऑब्जर्वर होगा तो या तो उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए या फिर वो जो ऑब्जर्वर है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो है ये हमारा बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर कि भाई आप बस में बैठे हो, बस में यहाँ पर ये हमारा ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर से एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये बस अगर रुकी हुई है रेस्ट पे है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, हम कहेंगे कि ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। फिर वहीं पर अगर ये बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, सपोज 50 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, देन इन केस वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा, ठीक है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कॉन्स्टेंट फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तब हम कहेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। वहीं पर बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हो जाएगा जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरह से होल्ड नहीं करेगा, मतलब जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो रेस्ट या कॉन्स्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ठीक है, रेस्ट में नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, मतलब जो वेलोसिटी है शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी को इंक्रीज होते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब हम कहेंगे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, वो एक बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, इसके साथ एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच होंगे, ठीक है, और अगर ये एक बस में बैठा हुआ है और ये जो बस है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है भाई, पहले 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 60, फिर 70, फिर 80, तो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। तो उस केस में क्या है, ये कैसा मोशन है, ये बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये हम कहेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वेरी कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो कोई भी केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड मोशन हो, ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक
ठीक है. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इन विच ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इज इन वेरिएबल वेलोसिटी और इज इन एक्सेलरेटेड मोशन. अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड. ओके. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन इन बस मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जैसे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग यहाँ पर एक बस जो है वो मूव कर रही है और साथ में वो एक्सेलरेट कर रही है, तो हम वहां पर कहेंगे कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, जो भी उस बस के अंदर होगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. ओके. या आप सब सपोज करो कि भाई यहाँ पर एक बेसिकली ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक प्लेन है, एरोप्लेन है जो कि फ्री फॉल कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो जब ये फ्री फॉल करेगा, नीचे की तरफ करेगा, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितने का होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है प्लेन्स के अंदर जो भी है, ठीक है, वो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, वो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे. ठीक है, और आई थिंक आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.